कैसे हो? ये राम कहाँ है? बैग लेके आओ ऊपर से। वो पीछे अपने लोग हैं क्या? हाँ भूपी जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, ओके ओके। पागल है क्या वो लोग? मैं अभी मीडिया के सामने हूँ, मैं आपको 2 मिनट में कॉल कर रही हूँ। हाँ जी बोलिए। आपकी जी, आपका वीडियो बहुत अच्छा था। कौन सा? इंस्टा पे डाले आपने? हाँ, मुझे आज सुबह से, मैं मॉर्निंग से निकल गई थी अपने कपड़ों के लिए बैंड्रा, और मुझे इतनी भूख लगी तो चक्कर आने लग गए एकदम, तो मैं इडली खाने गई। इडली खाने गई तो मैं देखा कि 2 बच्चे भूखे रोड पे सो रहे हैं, रो रहे हैं, और उनके माँ बाप जो पिता नहीं है वो रोड पे सड़कें बना रहे, तो और वो बेचारी वो वहाँ पे जा भी नहीं सकती माँ अपने बच्चों को खिलाने, क्योंकि वहाँ पे ऐसा क्या आधा घंटा आप बच्चे को खिलाने दूध पिलाने भी जाएंगे तो उनके पैसे कटते हैं, जो उनसे उनके ऊपर वाले जो होते हैं। आपने देखा जब मैं गए तो उसकी उसकी माँ की कैसे, वो एक लेडी ने कैसे उसका पीछे ऐसा खींचा, आपने देखा कि तुम मत जाओ मैं जाती हूँ आगे। उस लेडी को ऐसा लगा कि मैं कोई हीरे जवरात लेकर जा रही हूँ, नहीं भाई मैं खाना लेकर जा रही हूँ। तो फिर उनको बच्चे एकदम धूप में सो रही थी तो खिलाया, उनको अच्छा लगा। चंडीगढ़ तो अभी अफसाना का वीडियो कॉल आया था, वो कहाँ चंडीगढ़ से भी कहीं आगे हैं, वो आज गई है, उसका वो पानी में हाथ डालते और क्या वो सब करते ना, मैंने तो कभी किया ही नहीं लाइफ में, कहीं की घंटे की शादी हुई मेरी, सच सॉरी ये नहीं बोलना चाहिए मेरे, ये कोई हाथ पानी में डालना, ये मेहंदी लगाना, ये फेरे लेना, क्या बाबा, तो वो तो सब कुछ किया ही नहीं, बट बहुत अच्छा लगा अफसाना की शादी में, मज़ा आ गया, कुछ अलग महसूस हुआ। मैं तो ऐसे कभी किसी शादी में जाती नहीं हूँ, बट अफसाना अपनी घर की है तो जाती हूँ। शमिता की शादी में डेफिनेटली जाऊँगी। अभी है? कभी होने वाली है। गुड न्यूज़। देखो अभी तो उन्होंने डेट कर ली, गले में डायमंड पहना लिया, अभी तो एक किस भी हो गई इंस्टा पे, आगे किस, बस अभी बैंड बाजा बारात, बस अब वेरी सून होगा, आ ही जाएगा। शमिता जल्दी शादी करो, मुझे तुम्हारी शादी के लड्डू खाने हैं, जल्दी बताओ मैं कब लहंगा सिलवाऊं। मैम वो लॉकअप जो है उसके 2 कंटेस्टेंट आ चुके हैं, निशा रावल और मनोहर पारूखी, क्या कुछ कहना चाहो? काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल लग रहा है ये शो, आपको भी जाना चाहिए, आपको भी जाना चाहिए, क्योंकि आप एंटरटेनमेंट शो। थैंक यू सो मच, बट मुझे ऑफर नहीं आया है, नहीं ऑफर आया है कहीं पे, बट शायद मेरी बात उनसे हुई नहीं है, बट आई डोंट नो, बट मेरे हस्बैंड रितेश को ऑफर आया है। क्या बात है? एक्स हस्बैंड, एक्स हस्बैंड, उनको ऑफर आया है, आई डोंट नो वो जाएंगे नहीं जाएंगे मुझे नहीं पता है, बट मेरा अभी कुछ नहीं पता है। मैं तो एकता जी के लिए तो शायद मैं जाऊं भी, लेकिन दीदी के लिए ना जाऊं मैं। बहन है आपका? हाँ जी, आइए आइए। अब मेरा फोटो अंकल आप लेकर क्या करोगे? खुद ही अकेले मत रात को ऐसे बैठ के देखते रहना। अरे बुढ़े आदमी लोग ही देखते हैं ज्यादा आपको। अच्छा ठीक है, राखी जी अच्छा ले लो, राखी जी राखी जी। सलमान खान का दबंग टूर है तो आप जाने वाले क्या? क्या है दबंग टूर? रिलीज है? नहीं टूर है, डांस दबंग टूर। हाँ आई थिंक भाई ने मुझे शायद नहीं डाला है।
मैंने तो बोला था जोड़ी को, उनके जो मैनेजर है, तो पर शायद मैं नहीं हूँ उसमें। डाएंगे मुझे अगर डालेंगे भाई दबंग टू में, उनके टूर में, तो मैं पक्का जाऊँगी। भाई अपना डांस करेंगे, भाई के बाद मैं डांस करूँगी, भाई के साथ मैं डांस करूँगी, उनके बाद मेरी एंट्री होगी, मज़ा आ जाएगा दबंग टूर में। ये वीडियो देख के ले लेंगे लगता है। हाँ, सलमान भाई मुझे आपके दबंग टूर में ले लो, अगर ये वीडियो देख के ले लेंगे मुझे तो। हाँ हाँ, मैं आपके साथ हर जगह ट्रैवल करूँगी भाई। हाँ, मजा आएगा। दुबई में होगी? दुबई में है क्या? हाँ। अच्छा, हाँ दुबई में तो लास्ट टाइम मैं जाके आई, एक ही शो है कि कंटिन्यूसली एक ही दिन। आपका जो गाना था भाई के लिए, तो मैं बगैर पैसे के चली जाऊँ? हाँ, मेरे को तो भाई ने तो इतना अच्छा, मेरी माँ का ऑपरेशन कराया है, भाई को तो, मेरे को तो पैसा भी नहीं चाहिए। भाई के लिए तो मैं उनके शो में तो ऐसे ही चली जाऊँगी विदाउट मनी, एनीथिंग फॉर भाई। भाई के साथ कब आ रहा है आपका शो? सलमान जी को ही मालूम है कब वो मेरे को लेंगे, मुझे नहीं पता। उन्होंने तो सिर्फ बिग बॉस पार्टी की नाइट में ये बोला था कि राखी जल्दी स्लिम हो जाए, मैं तेरे साथ एक गाना करूँगा, और भाई जो बोलते ना वो करते ही है। एक बार भाई ने बोल दिया तो फिर वो किसी की नहीं सुनते, खुद की भी नहीं, खुद की भी नहीं सुनते। फिर वो भाई तो मेरे को, सलमान भाई तो मेरे को लेंगे लेंगे, मुझे स्लिम तो होने दो। अब मैं इतनी 200-200, 400-400 सूर्य नमस्कार मार रही हूँ, सर दर्द हो गया मेरा, बताओ। हार्ड वर्क कीजिए, लेकिन स्लिम लग रही है। तुम लोग अभी विदाउट मेकअप देखो मेरा फेस कैसा लग रहा है। हाँ, नहीं लाइट तो चाहिए ना, मैं बिना लाइट के अच्छे दिखेंगे? पता नहीं, नहीं बिना लाइट के तो अजीब सी दिखूंगी मैं। राखी जी इनका सवाल है, आपका जो गाना था ड्रीम में एंट्री, वो गाना अभी केसरी जी ने और अक्षर ने वापस बनाया। हाँ, मैं शॉक हूँ। कैसा लगा? केसरी लाल तो बहुत ही फेवरेट है मेरा, अमेजिंग है। अक्षरा से तो अभी मैं मिली हूँ शादी में, वेरी नाइस गर्ल, बहुत अच्छा नेचर है, और हम लोग खूब डांस किए हैं। तो हाँ, ड्रीम में एंट्री उन्होंने गाना बनाया। हाँ, अक्षरा ने बहुत अच्छा, अक्षरा और केसरी लाल ने बहुत अच्छा किया। अरे मुझे भी ले लेते, वो मेरा गाना है केसरी। मिलेगा आप उनसे? राखी जी आपका एक वीडियो, वो मेरा गाना है वो। राखी जी वो शादी में एक वीडियो था जहाँ प्रिंस सर आपको खिला रहे थे, वो काफी वायरल हुआ, काफी क्यूट मोमेंट था, तो क्या कुछ कहना है? मुझे इतनी भूख लगी थी, वो छोला पूरी या पानी पूरी पता नहीं क्या था, तो प्रिंस मैंने बोले खाओ थे खाते, और वो मुझे खिलाने गए, प्रिंस खुद खा गए। हाँ, सेल्फी भी लिए थे। ओह माय गॉड, हाँ वीडियो भी बना रहे थे सेल्फी। हाँ, काफी वायरल हुआ, लोगों को बहुत पसंद आया। आई नो, हो गया क्या? हाँ, हो गया। मैं जाऊँ क्या? जाइए, ऐसे भी थोड़े पे मेकअप नहीं लगाया, मैं कैसी लग रही हूँ, गॉड नोस। इधर गाड़ी, वो कितने बजे आ रहा है? कल ये डबंग रोड पे जाते हैं, मुझे बता देना वो कितने। मुझे जरा ऊपर जाना है, काम ऊपर यार। हाँ, वॉशरूम जाना है अभी के पीछे। थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय राखी जी।